हे एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल। आज वीडियो बनाऊंगा CC9 Pro की अनबॉक्सिंग की। तो मेरे पास आ गया है ये फ़ोन, दोनों कलर आ चुके हैं मेरे पास, ग्रीन और वाइट। आप बता सकते हैं आपको कौन सा बढ़िया लगा, तो मैं दोनों दिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया फ़ोन है, कैमरा फ़ोन है एक्चुअली, नॉट अ रियल वन। मतलब प्रोसेसर बहुत बढ़िया नहीं दिया, मगर कैमरे बहुत बढ़िया दिए हैं। स्नैपड्रैगन 730G के साथ आता है। प्राइस है इसके 28,000 रुपये, 6GB वेरिएंट की। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बढ़िया लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं रहता हूँ चाइना में, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको रियल फोन्स की अनबॉक्सिंग ला के देता हूँ। तो ये रहे मेरे दोनों बॉक्स, Xiaomi CC9 Pro। तो फ़ोन को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलेगा खास। तो भाई व्हाइट और ग्रीन कलर आ गया है, तीन कलर में अवेलेबल है, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू। तो भाई यहाँ हमने खोला, काफ़ी सेम बॉक्स है, CC9 जैसे आया था उसी ही तरह का इसका बॉक्स है CC9 Pro। ये वेरिएंट है 6GB 128GB, तीन वेरिएंट आते हैं, 6GB 128, 8GB 128 और 8GB 256। तो प्राइस है नियर अबाउट 31,000, 31,000 and 35,000, दोनों 6GB वेरिएंट है। तो भाई इसको भी खोल लेते हैं, दिखाएंगे दोनों कलर्स और देखेंगे कौन सा बढ़िया है। आपको कौन सा कलर बढ़िया लगा दोनों मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के। तो वाह, 6.47 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बस एक दो कमियां मुझे लगी इस फ़ोन में, बाकी आप देख सकते हैं कौन सा कलर आपको बढ़िया लग रहा है। 5 कैमरे रेयर में जो बहुत औसम है, और 108 मेगापिक्सल का कैमरा, पहली कंपनी बन गई है Xiaomi ने जिसने 108 मेगापिक्सल का कैमरा लॉन्च कर दिया है। तो बॉक्स में देख लेते हैं हमें क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक सिलिकॉन कवर और सेमी इजेक्टर टूल, प्लस कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल। जो चार्जर है वो स्पेशल फास्ट चार्जर है, 30 वॉट का है, मगर ये बहुत तेज़ चार्ज करता है। Xiaomi कह रहा है इनकी 5260mAh की बैटरी है, सिर्फ 65 मिनट में चार्ज कर देगा और 30 मिनट में 58%। तो टाइप सी चार्जिंग केबल मिलेगी हमें यहाँ पर। तो आज दोपहर को मैंने इसकी लाइव अनबॉक्सिंग भी की थी। तो भाई सबसे पहले मेरे हिसाब से हिंदी में अनबॉक्सिंग मेरी आ चुकी है इस बार, तो मैं कह सकता हूँ कोई जो फेक वाले भी नहीं कर पाए। तो भाई स्टिकर उतारते हैं और देखते हैं फ़ोन कितना प्यारा है या नहीं। थोड़ा लंबा लग रहा है मुझे, जैसे इसकी स्क्रीन रेशियो 20:9 है शायद। तो आप देख सकते हैं, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कर्व। 5 कैमरे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। 4 डुअल LED लाइन, मेरे को कर्व्स बहुत प्यारे लगे। वाटर ड्रॉपलेट नॉच नहीं है, मगर कर्व्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप देख रहे हैं 5 कैमरे, 4 फ्लैश लाइट्स, 5x जूम, 108 मेगापिक्सल का कैमरा। कॉर्निंग गोरिल्ला 5th जनरेशन की प्रोटेक्शन मिलेगी इस फ़ोन में आपको। 9.7mm थिकनेस है इस फ़ोन की, 208 ग्राम का ये फ़ोन है। एल्युमिनियम फ्रेम मिलेगा इसमें आपको, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जो मुझे बहुत बढ़िया लगी। बेस्ट है इसकी लुक्स बहुत बढ़िया है। टॉप पे आपको नॉइस कैंसिलेशन प्लस IR ब्लास्टर एंटीना रे, वॉल्यूम की, पावर ऑन बटन। बॉटम में 3.5 ऑडियो जैक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक, 2 एंटीना रे, भाई सिम ट्रे यहाँ पर है। मैं आपको सिम ट्रे दिखा देता हूँ कि सिम ट्रे कौन सी मिलेगी। तो सिम ट्रे आपको मिलेगी डुअल सिम ट्रे, हाइब्रिड देते ज़्यादा बढ़िया रहती, सिम स्लॉट होना चाहिए भाई। ये फ्लैगशिप फ़ोन नहीं हम कह सकते, क्योंकि भाई फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं दिया है इसमें। तो भाई सिम ट्रे का एक कह सकते हैं सबसे बड़ा कौन है इसका। तो 6.47 इंच की स्क्रीन है, काफ़ी लंबा फ़ोन लग रहा है, और 1080x2340 का स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगा इसमें आपको। पिक्सल डेंसिटी 399 PPI है। तो वाइट कलर भी हम निकाल लेते हैं और देखते हैं कौन सा बेटर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वाइट या ग्रीन, तो जो बढ़िया लगे वो आप मुझे बता दीजिए, मैं वही बाय करूँगा। 11/11 को इसकी पहली सेल है। तो भाई दोनों कलर बहुत औसम है। वैसे मुझे ज़्यादा हल्का सा लगा ग्रीन बेटर, मगर आजकल Xiaomi ग्रीन पे बहुत फोकस दे रहा है, मगर वाइट पे अच्छा लग रहा है, मैं ग्रीन पे ज़्यादा दिल आ रहा है मुझे। तब भी आप कमेंट कीजिए। तो इस फ़ोन में मिलेगा आपको MIUI 11, तो प्री इंस्टॉल्ड ही है MIUI 11, आपको कोई अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो फटाफट करते हैं इसका सेटअप। तो नॉच भी प्यारी लग रही है, थोड़ा हैवी लगा फ़ोन मुझे, 208 ग्राम का है, 200 से कम होते हैं आजकल, मगर ठीक है, बहुत हैवी भी नहीं कह सकते। तो करते हैं इसका फ़ोन का सेटअप और देखते हैं क्या क्या कमाल। तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर ली है, और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और Xiaomi ने कहा है कि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया तो ये काफ़ी तेज़ होगा। तो हमारा सेटअप हो गया है कम्प्लीट। वाह, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये फ़ोन। तो फ़ोन में जाके देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन अबाउट फ़ोन में। तो भाई स्नैपड्रैगन 730G के साथ ये फ़ोन आता है, स्नैपड्रैगन 855 होता है, बढ़िया होता है। बैटरी बहुत बढ़िया है, 5260mAh की। स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2340, एंड्रॉयड वर्जन 9, ऑक्टा कोर 2.2 GHz। तो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं मिला इस फ़ोन में।
तो कैमरे की बात कर लेते हैं, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट, 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 4 एलईडी फ्लैश मिलेंगे। फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का F2.0 एपर्चर के साथ। तो भाई ये आपको 50x तक आप जूम कर सकते हैं इसमें, तो बहुत बढ़िया है। साथ में डुअल OIS सपोर्ट मिलेगा आपको, डुअल OIS हो सकते हैं, कितना बढ़िया होगा। वीडियो में आप मैक्सिमम 6x तक जूम कर सकते हैं और लोएस्ट मैक्रो में लेंस में भी आप वीडियो बना सकते हैं, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एक तरह से कैमरा ही फ़ोन है, कैमरा मेन फोकस है इस फ़ोन के बारे में। तो स्लो मोशन देख लेते हैं, तो स्लो मोशन में आप 960fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्लस 120fps एंड 240fps, तो 3fps पे स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 50x का जूम है इसमें फोटोज़ में। तो ये हुआवे P30 Pro के बाद फ़ोन आया है जिसमें 50x का जूम आया है। तो 11-11 को ये मेरे पास फ़ोन आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसका दिखाऊंगा कैमरा रिव्यू। बाकी फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। कुछ पिक्चर्स क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कैसे पिक्चर्स आई है, बढ़िया आई है या नहीं आई। तो आप देख सकते हैं थोड़ी ब्यूटी मोड है इसमें, थोड़ा नहीं काफ़ी है, क्योंकि मेरी पिक्चर काफ़ी स्मार्ट लग रही है। और मगर कैमरे की क्लैरिटी अच्छी है, हम लोग चाहते हैं हमारी पिक्चर बढ़िया है। आप देख सकते हैं क्लैरिटी अच्छी है, 32 मेगापिक्सल है, तो छोटा मोटा कैमरा नहीं है। ये मैंने 108 मेगापिक्सल से फोटो खींची थी, 108 मेगापिक्सल काफ़ी लोगों कमेंट आए थे कितने MB की फ़ोटो थी, नियर अबाउट 14 से 15 MB की एक पिक्चर आ रही थी मेरी, बट क्लैरिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी। जैसे आप देख सकते हैं जूम करके क्लियरली सब कुछ दिख रहा है और बहुत बढ़िया। मैं एक्साइटेड हूँ ये फ़ोन आए, मैं इसका कंपैरिजन करूँ। मैंने काफ़ी पिक्चर्स ली थी तो उसकी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पिक्चर्स काफ़ी बढ़िया हैं, ब्यूटी मोड है, नेचुरल नहीं कह सकते, मतलब मोस्टली शाओमी की पिक्चर्स काफ़ी नेचुरल होती हैं, मगर इसमें बिल्कुल नेचुरल वाली बात नहीं है, आर्टिफिशियल टोन है, मगर क्लैरिटी मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो भाई ये लोग कमेंट कर रहे हैं अब SLR लेने का फ़ायदा ही नहीं, ये फ़ोन ही काफ़ी बढ़िया होगा एक तरह से कैमरे की तरह। तो और देख लेते हैं फीचर, यहाँ पर आपको मिलेगा वीलॉग एडिटिंग फीचर। अगर आप कोई छोटी सी वीडियो बनाते हो और ये ऑटोमेटिकली वीलॉग एडिटिंग कर देगा, ये काफ़ी बढ़िया है। जो लोग टिकटॉक या दोइन में वीडियो बनाना चाहते हैं, एडिटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। यहाँ सुपर स्टेबलाइजेशन है और ये है ब्यूटी मोड। तो भी ब्यूटी मोड में आप सिर्फ 720p पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप ब्यूटी मोड ऑन करते हैं, विदाउट ब्यूटी मोड हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। ये सॉरी या तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p 4K 30fps 4K 60fps नहीं मिलेगा, 4K 30fps पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और Xiaomi ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो DxO मार्क है इस फ़ोन का, Huawei Mate 30 के बराबर है 121, जो बहुत बढ़िया है। अब ट्राई करते हैं इसका फिंगरप्रिंट लॉक, कि Xiaomi ने कहा था काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी से यूज़ किया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, तो देखते हैं कितना तेज़ है। तो काफ़ी क्विक है, बाकी जब मेरा फ़ोन आएगा तो मैं आपको फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले लॉक दोनों दिखाऊंगा और देखेंगे कितना बढ़िया है। अब ट्राई करते हैं N22। स्नैपड्रैगन 730G के साथ ये फ़ोन आता है, 6GB रैम और 8GB रैम वेरिएंट अवेलेबल है। तो एक बार स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, एंड्रॉयड 9 मिलेगा आपको, एंड्रीनो 618, 1080x2340 का स्क्रीन रेजोल्यूशन, रियर में कैमरे मैंने बता दिए हैं, 5 कैमरे हैं, रैम टाइप LPDDR4 और CPU कोर 4, पिक्सल डेंसिटी 399 PPI, डेंसिटी 440 PPI, फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का F2.0 पे, जो बैटरी बढ़िया है 5260 mAh की, और ये फ़ोन NFC सपोर्ट करता है, ये भी बढ़िया लगा। NFC चाइना में मोस्टली फ़ोन्स NFC सपोर्ट करते हैं। तो ये देखो मेरा P30 Pro और Mate 30 Pro, तो इसमें भी इसमें वाटर ड्रॉपलेट नॉच है, इसमें वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, मतलब देखने में दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं। वो सस्ता है, वो 60,000 का है, ये नहीं है वो 30,000 का है, तो डिफरेंस थोड़ा बहुत चलता है। बाकी अगर आप कैमरे फ़ोन की तरफ से देखा जाएगा तो मैं कहूँगा ये फ़ोन आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप प्रोसेसर की तरफ जाते हैं तो आप कहोगे थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, मेरे हिसाब से इसका प्राइस 25,000 होता तो बहुत बढ़िया होता, 28,000 थोड़ा मुझे कॉस्टली लगा। मेरे हिसाब से इंडिया में अगर ये आएगा तो 30,000 तक आएगा, क्योंकि भाई इंडिया में 2,000 तो कॉस्ट ईजिली बढ़ जाती है। जब Mate K20 Pro आया था रेडमी का, वो भी 2,000 से 3,000 महंगा हो गया था। तो मेरे हिसाब से अगर इंडिया में आता है तो 30,000 का आएगा, और इंडिया में अगर आएगा तो दिसंबर से पहले नहीं आता, और थोड़ा महंगा लगा। शायद ये इंडिया में लॉन्च भी ना हो, ग्लोबली लॉन्च कह रहे हैं 14 तारीख होगा, मगर मुझे कम चांसेस लगने लग गए प्राइस के अकॉर्डिंगली, कि इंडिया में लोग इतना पसंद नहीं करेंगे सिर्फ कैमरे करके ये फ़ोन बाय करें। तो N22 स्कोर सिर्फ आया है 235,000, तो Realme X2 Pro जो 26,000 का फ़ोन है उसका स्कोर नियर अबाउट 4.5 लाख के पास है, तो स्कोर काफ़ी बढ़िया है। अगर आप प्रोसेसर देखना चाहेंगे तो मैं कहूँगा ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये एक तरह से कैमरा फ़ोन है जिसको हम कह सकते हैं सिर्फ
स्पेसिफिकली कैमरे को बेस रख के इन्होंने फ़ोन बनाया है। प्रोसेसर बढ़िया है, स्नैपड्रैगन 730G, मगर भाई वो बात नहीं है जो एक फ्लैगशिप फ़ोन में होती है। तो देखते हैं अगर इंडिया में आता है किस प्राइस में आता है। मेरे हिसाब से अगर इंडिया में आएगा तो 30,000 से कम नहीं आएगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब।